हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ रहना। स्वागत है फिर से अध्याय दो में। अध्याय एक हमारा हो गया स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अध्याय दो, यहाँ पे हमें अभी हमने इससे पहले चैप्टर में फर्स्ट में क्या पढ़ा, अध्याय एक में हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र। अब उस वैद्युत क्षेत्र के बाद हमें वैद्युत विभव पढ़ना है। कैसा? स्थिर वैद्युत विभव। ठीक, तो स्थिर वैद्युत विभव में क्या पढ़ेंगे हम, स्टार्टिंग कहां से करते हैं देखना। स्थिर वैद्युत विभव में स्टार्टिंग कहां से करते हैं, एक चीज ध्यान करना। यदि हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करें, जैसे कैसा बल, सपोज करो स्प्रिंग, स्प्रिंग बल या गुरुत्वाकर्षण बल, जब इनके विरुद्ध हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल उनके विरुद्ध लगाते हैं किसी चीज पे, तो वो बल उस चीज में संग्रहित हो जाता है। किस फॉर्म में संग्रहित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें वो बल स्टोर हो जाता है। जैसे स्प्रिंग से सपोज कर लो कोई बॉक्स जुड़ा हुआ है, कोई स्प्रिंग है और उससे कोई बॉक्स जुड़ा हुआ है मास m का, और ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे। इस पे क्या करते हैं हम, इस स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करते हैं। कैसे कार्य करेंगे? बल लगा के, एफ एक्सटर्नल हम बल लगा के इस पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जब कार्य करेंगे, इसको मान लो एक्स दूरी चलाए, यहां से एक्स दूरी पे ले आए, तो इस बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य इस में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक, संग्रहित हो जाता है। अब उसी तरीके से यहां पे हमें पढ़ना है विद्युत विभव के लिए, वही चीज हमें यहां पे वैद्युत विभव के लिए भी पढ़नी है। सपोज कर लेते हैं कोई आवेश हमारा क्यू, हम समझने के लिए क्यू को पॉजिटिव मान ले रहे हैं, क्यू को हमने पॉजिटिव मान लिया। एक आवेश और हम आर पर रख दे रहे हैं, वो कैसा आवेश है, क्यू आवेश, वो भी हम मान लेते हैं धनात्मक है। अब हमसे बोला ये जाएगा, या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमको अब समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि इस क्यू, स्मॉल क्यू आवेश को आर से पी तक ले जाने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा। तो देखो क्यू भी पॉजिटिव और ये स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का या आकर्षण का। देखो दोनों आवेश ऐसे हैं, विजातीय हैं, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। प्रतिकर्षण का बल लगेगा तो ये आवेश इसको अपने से दूर ढकेलेगा, लेकिन हमको लेकर कहाँ जाना है, इसकी तरफ। देखो इसकी तरफ ही तो ला रहे हैं, तो हमें इस आवेश को यहां तक लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, एक बाह्य बल हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, नोट कर लो।
बाहर वाला लगाएंगे और इसको आर से पी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन हम ये बाह बल किसके विरुद्ध लगा रहे हैं, इसके द्वारा जो प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है उसके विरुद्ध हम एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, मतलब किसके विरुद्ध है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एफ ई के विरुद्ध हम क्या लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल बाय, क्योंकि जितनी यहां पे एफ एक्सटर्नल जितना होगा वो किसके मान के बराबर होगा, एफ ई के, क्यों, क्योंकि क्यू की दूरी हम आर से नापेंगे और क्यू की वजह से इस स्मॉल क्यू पर क्या निकाल देंगे हम, वैद्युत बल का मान, जितने मान से वो जितना बल इसके ऊपर प्रतिकर्षण का ये लगाएगा उतना ही हमें बाहरी बल लगाना पड़ेगा उसको यहां पर स्थिर रखने के लिए, इसको इस स्मॉल क्यू को। अब इस स्मॉल क्यू को हम धीरे 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 चला के कहां लाएंगे, पी पर ले आएंगे। पी पर लाने के लिए हमारे द्वारा कार्य जो किया जाएगा वो कैसे निकलेगा भैया, कार्य का कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो बल इसमें गुणा हो जाएगा जितनी दूरी हम चला रहे हैं, सपोज कर लो dr दूरी चला रहे हैं, एक कहां से कहां, r से p, एक चीज ध्यान रखना f एक्सटर्नल बराबर माइनस एफ ई होगा, क्यों होगा, एफ एक्सटर्नल बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है और एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस क्यू पर वो किधर की ओर है, इधर की ओर है, तो देखो दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है ना, तो इसी वजह से यहां पे कैसा साइन आया है, माइनस का साइन आया है, ठीक है। तो जब एफ एक्सटर्नल द्वारा कार्य किया जाएगा तो यहां पे वर्कडन का मान इस सूत्र से निकलेगा, लेकिन अगर बोले एफ ई के द्वारा हमसे बोल दिया जाए सूत्र बनाओ तो क्या कर देंगे, रखेंगे लेकिन क्या आ जाएगा साथ में, माइनस, क्योंकि तो ये इसके जस्ट अपोजिट दिशा में है, जबकि दोनों का परिमाण बराबर है, खाली क्या डिफरेंट है, दिशा डिफरेंट है, तो जब दिशा अलग अलग रहेगी तो उसके लिए हमारा साइन भी बदल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जब हम इस क्यू को हम एक नाम दे देते हैं परीक्षण आवेश का, कैसा आवेश, परीक्षण, क्योंकि इसी आवेश को हमने क्या करने के लिए लिया है, अपने सूत्र को निकालने के लिए हमने इस आवेश को लिया है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, परीक्षण आवेश। और Q को भी जरूर नाम दे देते हैं स्थित आवेश, क्योंकि हम परीक्षण कर रहे हैं तो किसको चला चला के कर रहे हैं, इस प्रयोग कर रहे हैं ना, तो अब जैसे परीक्षण और स्थित दे दिया तो अब बोलने में ठीक रहेगा, तो जो परीक्षण आवेश को हम आर से पी पर लाए तो क्या किया, आर से पी पर लाने के लिए हमने कार्य किया, किसके विरुद्ध कार्य किया, वैद्युत बल के विरुद्ध हमने कार्य किया, तो जब वैद्युत बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो इस आवेश के पास क्या संग्रहित हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तो वो स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस कैसे लिखेंगे हम, डेल्टा यू बराबर
आर से एम पी पे आ रहे हैं ना, तो यूपी माइनस यू कहां से, आर से, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, यूपी माइनस यू आर, क्योंकि हम जब उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, इसके ऊपर परीक्षण आवेश के ऊपर, तो वो कार्य किस रूप में संग्रहित हो जा रहा है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जा रहा है, तो यूपी माइनस यू आर, और यही डेल्टा यू में जो बदलाव आएगा, यही डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर होगा, किस डब्ल्यू के बराबर, एफ ड्यू टू वर्क एक्सटर्नल। अब यदि इसको हमें लिखना हो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल के द्वारा, तो क्या लिखेंगे डब्ल्यू ई, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसी समझ में आ गई, नोट कर लो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ये कॉन्सेप्ट यहां पे हमें समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट मिल गया होगा। देखो भाई बात सीधी सीधी है, हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, अपनी ऊर्जा लगाएंगे, वो ऊर्जा उसके विरुद्ध कार्य करने में जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, किस रूप में स्टोर होगी, स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। सारी बढ़ने में देखते हैं क्या इसका यूज है हमारा, स्थिर वैद्युत विभव निकालने का, ये तो हमारी जनरल बातें हो गई जो हमें समझने के लिए आवश्यक थी, इसको स्थिर वैद्युत विभव को समझने के लिए आवश्यक थी। चलो आगे बढ़ते हैं, ना घंटे डालते हैं छोटी सी, स्थिर वैद्युत विभव, ठीक। अब देखो स्थिर वैद्युत विभव क्या है, बहुत सिंपल सा है, मैं अगर इसका सूत्र लिख दूं डायरेक्ट, देखो जो हमने परीक्षण आवेश लिया था यही भी तुम्हारा क्या हो गया, स्थिर वैद्युत विभव। एक बार ध्यान करना, हमने जो स्थिर आवेश लिया था Q, उसी से हमने स्थितिज ऊर्जा को भाग दे दिया। भाग देने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही लाइन में बातें समझ में आ जाएंगी। देखो भाग देने का हमारा स्थिति ऊर्जा को Q से भाग देने का, परीक्षण आवेश से भाग देने का सिर्फ एक मकसद है, मकसद वो है कि किसी स्थित आवेश, जैसे कि हमने कैपिटल Q लिया था स्थित आवेश की वजह से, r दूरी पर कितना विभव है उसका, उसका विभव का क्या परिमाण है, उसको निकालने के लिए, उसको निकालने के लिए हम स्थिति ऊर्जा को Q से भाग दे रहे हैं। अब स्थिर वैद्युत विभव निकालने के लिए हम इसको Q से भाग क्यों दे रहे हैं, सपोज कर लो हमने एक स्थिर आवेश लिया था कैपिटल Q, और किसको हम लेके आ रहे थे उसकी तरफ, परीक्षण आवेश स्मॉल Q को, तो इस स्थिति ऊर्जा हमारी किसके लिए निकल रही थी, इस
ऊपर कार्य करने वाली निकल रही थी ना। लेकिन अब हमको क्वेश्चन में या हमसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसमें ये तो नहीं बताएगा ना कि क्यों जो ये जो परीक्षा आवेश है इसकी मात्रा हमेशा फिक्स रहेगी, क्या हर क्वेश्चन में फिक्स रहेगी? नहीं फिक्स रहेगी। इसी वजह से हमने क्या किया, स्थिर वैद्युत विभव का मान निकाला, निकालने की कोशिश की। क्या निकाला, जो भी आवेश क्यू की वजह से स्थिर आवेश क्यू की वजह से आर दूरी पर क्यू के लिए स्थिति ऊर्जा आई उसको हमने उस परीक्षण आवेश के मान से भाग दे दिया, और जैसे ही भाग दिया वो किसके लिए आ गई, प्रति आवेश के लिए आ गई। प्रति आवेश मतलब इकाई आवेश के लिए, कैसे आवेश के लिए, इकाई आवेश। मान लो तुमने 5 कूलम के लिए निकाला था और 5 से भाग दे दिया तो कितने कूलम के लिए बची वो तुम्हारी कार्य कितने कूलम के लिए बचा, किया गया कार्य 1 कूलम के लिए बचा, यानी कि इकाई के लिए बचा। तो स्थिर वैद्युत विभव को सीधे सीधे मैं ये कहूंगा कि जब हम किसी स्थिर आवेश क्यू के लिए किसी परीक्षण आवेश को किसी बिंदु पी से आर तक लाते हैं तो उसके लिए क्यू की वजह से स्थिर आवेश की वजह से उस बिंदु पर कोई भी वो उससे आर दूरी पर अगर हमें विभव का मान निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, उसकी स्थिति ऊर्जा को उस परीक्षण आवेश से भाग दे देना है जिस परीक्षण आवेश क्यू को हमने लिया था, वही कार्य हमने यहाँ पर लिया है। ठीक, नोट कर लो इसको। तो हम बेसिकली कह जा सकते हैं अब जो ये विभव आ गया ये किसके लिए आ गया, प्रति एकांक आवेश के लिए। मतलब अब ये जो वैल्यू आई है ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर रही है, क्योंकि हमने क्या कर दिया उसको क्यू से भाग दे दिया, जब क्यू से भाग दे दिया तो अब वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करेगी, अब वो किसके लिए आ गई, प्रति एकांक आवेश के लिए आ गई। तो इसकी वैल्यू भी बहुत ही सरल था, कॉन्सेप्ट इसका हमें समझ में आ गया होगा, जो कार्य हम करते हैं उसको हमें क्या कर देना है, एकांक आवेश के प्रति एकांक आवेश के लिए निकाल देना है, बस वही उस स्थित आवेश की वजह से आर दूरी पर किसका मान आ जाएगा, स्थिर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। मतलब ये एक स्टैंडर्ड मान है, स्थिति ऊर्जा हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं कहलाएगी। ठीक, तो अगर सपोज कर लो हमें कार्य दिया गया है क्यू से किसी परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू को लाने के लिए, किसी बिंदु से कहीं तक लाने के लिए दिया गया है, स्थिति ऊर्जा दी हुई है और हमें यह बता दिया गया है कि उस परीक्षण आवेश का मान कितना था, तो हम उस स्थिर आवेश के लिए उतने दूरी पर विभव का मान बता पाएंगे, हाँ बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि हमें क्या दे दिया है, स्थिति ऊर्जा या कार्य जो किया गया है उस वो दे दिया है, या स्थिति ऊर्जा का क्या दे देगा, डिफरेंस, या तो ये दे दे या किया गया क्या दे दे, कार्य दे दे, दोनों में से कुछ भी दे दिया जाएगा, चाहे ये चाहे ये, दोनों को हम इससे भाग दे देंगे उस परीक्षण आवेश के आवेश से भाग दे देंगे, और जैसे ही उस परीक्षण आवेश से हम भाग देंगे हमारी उस झड़ा के लिए क्या निकलाएगी, स्थिर वैद्युत विभव का मान निकल के हमारे पास आ जाएगा। चलो तो हम एक छोटी सी हिंट डालते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब बहुत अच्छे से क्लियर होगा, जब हम क्वेश्चन लगाएंगे ना तो बहुत कार्य से क्लियर हो जाएगा। चलो तो बढ़ते जाएंगे,
बिंदु आवेश के कारण विभव, मतलब कोई हम बिंदु आवेश ले रहे हैं स्थिर आवेश Q, उसके कारण हम r दूरी पर क्या निकालने का प्रयास करेंगे, V ड्यू टू Q। तो V ड्यू टू Q का मान मैं बता दूं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा। कितना सरल है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, E और V में संबंध भी हम पढ़े ले रहे हैं साथ ही साथ में, E और V में संबंध। अच्छा V R दूरी पर Q की वजह से कितना आ गया इतना। अच्छा E क्या आएगा Q की वजह से R दूरी पर, तो Q अपॉन 4 पाई एफ आर एन नॉट आर स्क्वायर कहता था, है ना। तो यहां से दोनों को कंपेयर करने का लिख सकते हैं कि E बराबर V अपॉन R, बराबर क्या क्या V अपॉन R, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए तो हम उसके लिए पोटेंशियल का मान निकाल देंगे, विभव का मान निकाल देंगे, उसको क्या करेंगे R से भाग देकर, या हमें पोटेंशियल दे दिया जाए तो हम क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में विभव से विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए फील्ड में आर गुणा कर देंगे, मतलब बी बराबर क्या आ जाएगा, ठीक बराबर ई आर। चलो बेटा हम छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि एक हम आवेश रखते हैं क्यू बराबर 4 × 10⁻⁷ कूलम, उससे पूछा जा रहा है कि 9 सेंटीमीटर दूर V का मान बताओ, तो भाई V का मान क्या होगा, हमने क्या पढ़ा है Q बटे 4 × r, तो Q का मान कितना है 4 × 10⁻⁷ बटे 4 πε₀। R का मान 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर से क्या निकालेंगे 0.09 मीटर, सौ से मार देंगे क्या आ जाएगा 0.09। ठीक तो कैलकुलेटर लेते हैं, 4 × 10⁻⁷ गुणे, अब इसका 1/4 πε₀ का मान कितना होता है 9 × 10⁻⁹। -2 हम ऊपर लेके जाते हैं तो 10⁻⁷ + 9, माइनस ऊपर जाएगा तो +2, तो कितना हो गया 4 × 10⁻⁷ में 9 जोड़ेंगे तो +2 + 4, तो हमारे ऊपर क्या आएगा 4 × 10⁻⁴ वोल्ट, इसका मान आ गया विभव, मतलब किसी बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलम से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान कितना आ गया 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे भी सारी चीजें क्लियर होंगी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अच्छा एक बात तो क्लियर है कि विभव सदिश राशि नहीं है, विभव सदिश राशि नहीं है, मतलब हमको इसको जोड़ने के लिए टेंशन नहीं लेना है, सीधे क्या करना है उठा के
जोड़, जैसे अभी हमने क्षेत्र में टेंशन लिया था, क्यों टेंशन लिया था, क्षेत्र को जोड़ने के लिए, क्षेत्र में क्षेत्र को जोड़ने के लिए टेंशन इसलिए लिया था क्योंकि वो सदिश राशि थी, सदिश राशि को जोड़ने के लिए हमें उसकी दिशा भी चाहिए होती है, लेकिन जैसी राशि सदिश नहीं होती तो हमें क्या करना होता है, बिना दिशा के डायरेक्टली उसको जोड़ देना होता है। लेकिन चलो एक क्वेश्चन इसमें हम कर देंगे, तो आपका ए उदाहरण नंबर पहले का ए था, बी हम बोल रहे हैं इससे मतलब कोई आवेश ये क्यू रखा हुआ है और अनंत से क्या अनंत से एक आवेश ले लेते हैं हम 2×10^-9 कूलाम का 9 सेंटीमीटर दूरी पर Q से लाकर रखते हैं, बताओ कितना कार्य किया जाएगा, बताओ कितना कार्य किया जाएगा। अनंत से एक आवेश को हम लेकर आते हैं इससे क्यू से 9 सेंटीमीटर दूरी पर, बताओ कितना कार्य किया जाएगा। तो भाई ये क्यू का मान तो वही रहेगा जो अपने लिया था, 4×10^-7 कूलम। अब हम इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर एक आवेश लेकर आते हैं 2×10^-9 कूलम का, कहां से, अनंत से। कहां से लेकर आते हैं, अनंत से लेकर आते हैं। तो देखो हमें करना क्या है, कार्य निकालना है, वर्क कितना कार्य किया जाएगा, वर्क बताओ कितना होगा। अब तो लो इन्फिनिटी से पी पर लाने में, इन्फिनिटी से पी पर लाने में बताओ कितना कार्य किया जाएगा, यही तो हमसे पूछा गया है। देखो इन्फिनिटी से पी पर लाने के लिए किया गया कार्य कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया था बराबर डेल्टा यू, डेल्टा यू का मान कितना था, हम कहां से ला रहे हैं इन्फिनिटी से पी पे, तो यूपी माइनस यू इन्फिनिटी। अच्छा यू मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था बेसिकली, बहुत सरल तरीके से सूत्र लिखता हूं, अभी हमने लिखा था वी बराबर U बटे क्यू, ऐसा कुछ लिखा था ना इससे जस्ट पहले, V2-C1 = U2-C1/Q, तो V बराबर U बटे क्यू, तो U कैसे निकल जाएगा, V बटे क्यू। बोलो मैं एक इमेजिनेशन दे रहा हूं हम लोगों को हल करने के लिए, मतलब स्थितिज ऊर्जा हमें अगर निकालनी हो और विभव अगर हमें पता हो तो उस विभव में हम उस आवेश क्यू को गुणा कर देंगे तो हमारे लिए किसका मान आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, जब हमने स्थितिज ऊर्जा से विभव निकाल लिया तो क्या विभव से स्थितिज ऊर्जा नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो यूपी तो इस आवेश क्यू से पी दूरी पर विभव कितना था, 4×10^4 वोल्ट, और हमने कितने का आवेश ले किया है, 2×10^-9 कूलम का आवेश लेकर आए। तो हमने क्या कर दिया, बी गुड़े क्यू जो जैसे यहां पे किया, तो बी गुड़े क्यू करते ही हमारा क्या निकल आएगा, यूपी। अब बात करते हैं इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे जब ये आवेश कहा होगा, सपोज कर लो क्यू वन या हाँ चलो क्यू वन, जब इन्फिनिटी पे रहा होगा मतलब इससे अनंत दूरी पे, तो R का मान क्या रहेगा, यहां पे R का मान, इसीलिए हम कहते हैं तो KQ बटे R,
आर का मान क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी शून्य, तो माइनस शून्य, तो क्या आ जाएगा चार दूनी आठ, दस की घात चार माइनस नौ तो माइनस पांच, तो क्या आ गया तुम्हारा कार, मतलब इतना जूल कार तुम्हें इस आवेश को Q1 को इन्फिनिटी से P मिलाने पर करना पड़ेगा, ठीक है श्योर समझ में आ गया। चलो फिर एक चीज और करते हैं, पक्का इतना ना नहीं समझ आएगा तो समझ लेना फिर से। देखो एक बार में चीजें हो सकता है बाप ना हो, एक बार में चीजें हो सकता है समझ में ना है, लेकिन हाँ किताब पढ़ोगे तो एकदम श्योर शॉर्ट है समझ में आएगा, किताब पढ़ोगे मेरी बातों को सुनोगे तो श्योर है समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो तत्काल हमसे संपर्क करिएगा। चलो एक टॉपिक लेते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विभव। सपोज कर लो Q1 आवेश R1 दूरी के, Q2 आवेश R2 दूरी पे, Q3 आवेश R3 दूरी पे, Q4 आवेश R4 दूरी पे, और इस पॉइंट P पे हमसे V पूछ लिया जाए एट पॉइंट P। देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सदिश राशि नहीं है, तो हम डायरेक्टली इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल कर सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कैसे देखो Q1 की वजह से R1 दूरी पर, तो Q1, अच्छा मैं क्या लिखूं, बराबर होता है सर नट, ठीक है आर वन प्लस के क्यू टू कितने दूरी पे आर टू के क्यू थ्री आर थ्री के क्यू फोर की वजह से क्यू फोर बटे आर फोर, क्योंकि अभी हमने सूत्र क्या पढ़ा था बी बराबर किसी दिन जो आवेश से क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर या के क्यू अपॉन आर, यही तो पढ़ा था। ये हमारा क्या रहेगा बिन किसी, मतलब कई सारे बिंदु आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर विभव, ठीक है। इतनी सारी चीजें पढ़ लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जहां तकलीफ होगी उसको बिल्कुल पूछ लेना। थैंक यू।